हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हैं। जैसा कि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी, साथ ही साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट यानी कि रिप्रोडक्शन का ही भी चैप्टर कवरअप कर रहे हैं, उसके साथ हम बायोटेक्नोलॉजी का भी चैप्टर उधर का कवरअप कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि बोर्ड का, जब तक आप बोर्ड अगर हो तो आपको चीज़ें सर मिल सकें, जिसकी वजह से अगर क्लास ट्वेल्थ के कोई स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे होंगे जो उनको जानते वगैरह हैं तो थोड़ा शेयर कर देंगे, जिससे सभी बच्चों को वीडियो मिल सके ना। हो सकता है यहाँ पर आपको सिलेबस पूरा प्रॉपर वे में ख़त्म हो जाए, ध्यान देना, और चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझ में आएंगी, ये हमारी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, दिक्कत होती है, आप डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो चीज़ें पक्का गारंटी ही समझ में आएगा जरूर। बायोटेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे, तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने कहाँ तक पढ़ा था स्टूडेंट, वहाँ पर हमने बायोटेक्नोलॉजी में जो बात किया था, दीज आर दी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने डिस्कस करा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात किया था, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात किया था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में डिटेल बात किया था ना, इंसुलिन का उदाहरण लेकर के ना, इंसुलिन का एग्जाम्पल लेकर के। इसके साथ साथ हमने किसके बारे में डिस्कस करा था स्टूडेंट, हमने बात किया था तुम्हारा टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मतलब दीज आर दी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कहा जाता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी क्या क्या टूल्स अप्लाई होते हैं ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक में क्या क्या टूल्स, क्या क्या उपकरण लागू होते हैं, उसके बारे में बात कर चुका है। देन स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्लाज्मिड। ध्यान देना, प्लाज्मिड जो कि एनसीईआरटी बुक्स में आपको डिटेल में बताया है, PBR 322 के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ध्यान देना। जो हेडिंग दिया गया है किस नाम से दिया है, NCERT बुक्स में बात करें, NCERT बुक्स में जो हेडिंग दिया है, दीज आर दी क्लोनिंग वेक्टर के नाम से दिया है, ध्यान देना स्टूडेंट, किसके बारे में दिया है, क्लोनिंग वेक्टर के नाम से दिया है आपके NCERT बुक्स में, जो कि इसका नाम है प्लाज्मिड 322 के आसपास, ध्यान देना। जो प्लाज्मिड 322 है, ध्यान देना, इसकी बात करें तो इसमें तीन चीज़ें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तीन चीज़ें समझ जाते हैं तो ये आपको स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आपको देखने में बहुत ऐसा लग रहा होगा लेकिन आपको लास्ट तक बने रहेंगे, आपको चीज़ें एकदम सिंपल हो जाएंगी, आपको चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी, ध्यान देना। बात करें फर्स्ट जो बताया है, दीज आर दी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के बारे में, पहला जो साइट होता है इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पाया जाएगा, ध्यान देना। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट ओआरआई रीजन, जिसको ओआरआई रीजन बोला जाता है। ओवरआई रीजन का मतलब जहाँ से डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसे हम ओवरआई रीजन कहते हैं ना, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन रीजन कहा जाता है। कहने का मतलब जो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं ना, और जहाँ से शुरुआत होती है वो स्थान ओवरआई रीजन कहलाता है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़े होंगे उनको डिटेल में पता होगा ये सब चीज़ें, इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा तब भी बता देते हैं। जैसे हम वहाँ पे जब बात कर रहे थे, ध्यान देना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी लेक्चर आएगा, बट आपको रिप्रोडक्शन के बाद ये चीज़ें हम वहाँ पे देंगे ना, जेनेटिक्स के बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको दिया जाएगा, ध्यान देना, बट यहाँ पे अभी के लिए इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग का डीएनए एज अ ह्यूमन डीएनए 5' to 3', 3' to 5', ये सब चीज़ें पता होगा, बेसिक बहुत है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब इसमें डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया शुरुआत होना रहता है तो यहाँ पे क्या पाया जाती है, ओवरआई रीजन पाया जाता है। मान लो यहाँ से डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, यहाँ पर ओवरआई रीजन है, ध्यान देना। कहने का मतलब इन यूकैरियोटिक डीएनए देयर आर मल्टीपल ओवरआई रीजन, अगर बात करें यूकैरियोटिक की तो यूकैरियोटिक में मल्टीपल ओवरआई रीजन पाया जाता है, बहुत सारा ओवरआई रीजन देखा जा रहा है, बट यूकैरियोटिक में तो बहुत सारा है, बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में तो प्रोकैरियोटिक में एक या दो के आसपास हमको ओवरआई रीजन मिल रहा होता है। जैसे जो डीएनए है ये किसका है, दीज आर दी प्रोकैरियोटिक, समझ रहे हो। कहने का मतलब जो प्लाज्मिड हम पढ़ते हैं ये बैक्टीरिया में देखा जाता है, ध्यान देना, किसमें, बैक्टीरिया में पाया जाता है। जैसे इसको देख लेते हैं एक बार बेसिक क्लियर करने के लिए, जो जीवाणु है, जीवाणु में अपने डीएनए, तो उसका डीएनए तो पाया जाएगा, खुद का डीएनए जीवाणु का तो पाया ही जाएगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, यानी कि इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है इस टाइप से, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, इस टाइप से एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है।
एंड दिस डीएनए इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड. ध्यान देना, इसे कहा जाता है प्लाज्मिड कहा जाता है. दीज आर दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड. जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जा रहा है उसके अलावा, समझ रहे हो, डीएनए खुद का उसका तो है ही, यहाँ पर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए पाया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड नाम देते हैं. उसी क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड नाम दे रहे होते हैं. सिंपल प्लाज्मिड का ये डिफिनेशन है. और प्लाज्मिड जाहिर सी बात है बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जाहिर सी क्या बात है, क्या है, प्रोकैरियोट से, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने बताया कि इसमें ओवराइजेशन कितना होता है, एक या दो के आसपास. लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में पीबीआर 322 बताया गया है इसमें कितना है, एक ओवराइजेशन यहाँ पे बनाया गया है, इस टाइप से ओवराइजेशन है. देखो स्टूडेंट, ओवराइजेशन समझ में आया. देन उसके बाद है सेलेक्टेबल मार्कर. उसके बाद अगला क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में जानकारी. सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो रंगा गया है रेड कलर का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर होता है. दीज आर दी, जिसको बोला जाता है रजिस्ट्रिक्शन साइट. क्या कहा जाता है, रजिस्ट्रिक्शन साइट. दीज आर दी एम्पिसिलिन रजिस्ट्रिक्शन साइट, AMPR, टेट आर. ध्यान देना, AMPR, टेट आर. एम्फेसिलिन रजिस्ट्रिक्शन साइट, देन टेट्रासाइक्लिन रजिस्ट्रिक्शन साइट. एम्फेसिलिन रजिस्ट्रिक्शन साइट, देन टेट्रासाइक्लिन रजिस्ट्रिक्शन साइट पाया जा रहा होता है. ये क्या जो है, सिंपल. और सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है, इसको जरा समझ लेंगे. सेलेक्टेबल मार्कर जो पाया जा रहा है, एंड सेलेक्टेबल मार्कर जो है इसका काम हुआ कहाँ है, इसको जरा समझेंगे. ध्यान देना, जैसे यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, ध्यान देना, यहाँ पे जैसे जो बैक्टीरिया है, जब हमको तैयार करना होता है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसको हमने पढ़ा है. जैसे जो बैक्टीरिया है, जब हमको तैयार करना होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो हम करते क्या हैं, इस प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं. समझ रहे हो, इस तरीके से इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. जब प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं तो इसको काटते हैं साइड्स से. काटने के बाद साथ इसमें हम क्या जोड़ते हैं, फॉरेन जीन जोड़ते हैं ना, फॉरेन जीन जोड़ते हैं, जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, एलियन जीन बोलते हैं, डिजायर जीन बोला जाता है. समझ रहे हो, इसका कई नाम है, जिसको हिंदी में वांछित जीन कहा जाता है. जब इसको हम जोड़ लेते हैं इस टाइप से, तो ये हमारा क्या बन जाता है, आरडीएनए बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है. अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बन जाता है, अब भैया जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ते हैं, तो इसको जब बाहर निकालते हैं, जब इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बैक्टीरिया बेचारा नंगा पोंगा पड़ा है अपना अकेले. अब कोई भी पैथोजन आकर के इसमें इंटर कर सकता है, मतलब कोई भी पैथोजन आकर के इसको इंटर कर सकता है इस टाइप से. अब पैथोजन पहले से ही अपना तैयार है, खूब सारा आशा लग रहा है कि इसका प्लाज्मिड आए, अब प्लाज्मिड को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे. समझ रहे हो, यानी जो हमारी कॉमन डीएनए बना है, अगर वो आ जाए उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे. जिसके लिए पहले से ही वहाँ पे गोली बारूद दे दिया गया है. गोली बारूद यानी कि रजिस्ट्रिक्शन साइट दिया गया है. ध्यान देना स्टूडेंट, ना पहले से ही कट्टा लेके तैयार है. यहाँ से लाल लाल देख रहे हो, सब कट्टा है, कुल मिलाकर के रजिस्ट्रिक्शन साइट है ना, कट्टा. स्टूडेंट ध्यान देना, इस वजह से यूज कर रहे हैं ताकि चीज़ों आपको अच्छे से समझ में आए, इस वजह से ना. ऐसा नहीं कट्टा है, उसके लिए तो कट्टा ही है ना, गोली बारूद ही है ना उसके लिए, जो वायरस वगैरह है, जो पैथोजन होंगे. क्योंकि यहाँ पे जब ये चला जाएगा इस टाइप से, अब देखो ये प्लाज्मिड जब इसमें हम डाल देंगे इस टाइप से, अगर हमारा रजिस्ट्रिक्शन साइट पाया जा रहा है, एंटीबायोटिक रजिस्ट्रिक्शन जीन, ध्यान देना, एंटीबायोटिक रजिस्ट्रिक्शन जीन जिसे कहा जा रहा है, दीज आर दी टेट्रासाइक्लिन रजिस्ट्रिक्शन जीन एंड एम्फेसिलिन रजिस्ट्रिक्शन जीन पाया जा रहा है. अब ये जब आ जाएंगे तो इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, ये कुछ इसका नहीं कर पाएंगे, जाएंगे तो इसको कुछ नहीं कर पाएंगे. ये काम होता है किसका, सेलेक्टेबल मार्कर का हो रहा होता है. इसके अलावा और बहुत सारा काम होता है सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब कुल मिलाकर के सेलेक्टेबल मार्कर ही जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जो वेरियस टाइप प्रोडक्ट हमारा मिलता है, वो किसके कारण मिलता है, सेलेक्टेबल मार्कर वजह से हमारा अच्छा उत्पाद मिल पाता है. नहीं तो वहाँ पर अगर सेलेक्टेबल मार्कर ना होता तो आसानी से जा करके पैथोजन इसको डिस्ट्रॉय कर देता, जिसे हमारा प्रोडक्ट मिल ही नहीं पाता. जो आर डी एन ए बना, जो कुछ ट्रांसफ़र किए, जिसे हमारा, समझ रहे हो, डी एन ए मिल ही नहीं पाता, जो हमको मनचाहा प्रोडक्ट को मिला करके नहीं मिल पाता. इस तरीके से समझ आ रहा है ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर हो रहा होता है. सेलेक्टेबल मार्कर ये चीज़ होता है.
आगे हम बात करते हैं, कहा जा रहा है क्लोनिंग साइट। तीसरा पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, क्लोनिंग साइट होता है। किसी का क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब क्या होता है, क्लोनिंग साइट का मीनिंग ये होता है कि जहाँ से हम डीएनए को काटेंगे, मतलब जहाँ से उसको काटा जाएगा। जैसे बात करें पीबीआर 322 में, देयर आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट, देयर आर मल्टीपल क्लोनिंग साइट अकर इन पीबीआर 322, यानी कि जहाँ से डीएनए काटेंगे यहाँ से काट सकते हैं, बहुत सारा क्लोनिंग साइट पाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्लोनिंग साइट क्या क्या है, हिंड सेकंड है, कला फर्स्ट है, इक्वाराई फर्स्ट है, पीबीयू फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट करके है, देन पीबीयू फर्स्ट सेकंड करके ना, पीबीयू सेकंड, देन उसके बाद साल फर्स्ट है, बामेज फर्स्ट, ये सब क्या है तुम्हारे क्लोनिंग साइट हुआ करते हैं ना, ये क्लोनिंग साइट हुआ करते हैं। समझ में आ रहा है क्लोनिंग साइट का काम क्या है, यानी कि वहाँ से हम उसको काटेंगे और काटने के पश्चात वहाँ से हम जो चाहिए होगा, यानी कि मनचाहा प्रोडक्ट जो चाहिए होगा, जो फॉरेन जीन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, एलियन जीन होगा, डिजायर जीन होगा, एक ही नाम है, ध्यान देना एक ही नाम है, उसको कई नाम से पुकारते हैं, कन्फ्यूज नहीं होंगे। एनसीईआरटी बुक्स में एलियन प्रोडक्ट, एलियन जीन भी दिया है, समझ रहे हो, इसका कई नाम होता है, एलियन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर जीन, समझ रहे हो, फॉरेन जीन, और भी एक दो नाम होता है जिसको हिंदी में एक नाम वांछित जीन कह रहे हैं, वांछित जीन, सिंपल। तो वही चीज़ वांछित जीन इंटर करने के लिए इसी तो, इसको रजिस्ट्रेशन साइट के स्थान पे तो काटेंगे, जब काटेंगे तभी तो यहाँ से इंटर कर रहे थे, जैसे यहाँ से काट लिए तो आसानी से इंटर कर देंगे मनचाहा प्रोडक्ट जो हमारा बना रहेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट। आगे हम बात करते हैं, ध्यान देना, और इसकी हम बात कर ले थोड़ा सा इसके खोज के बारे में, ध्यान देना, अभी शायद इसके बारे में नहीं बात की तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी खोज किसने की है, समझ रहे हो, यानी कि क्लोनिंग विक्टर जो पीबीआर 320 हुआ, सबसे 322 के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं बॉलीवार एंड रोड्रिक ग्यूज, ध्यान देना लिखा गया है बॉलीवार एंड रोड्रिक ग्यूज ने सबसे पहले इसके बारे में बतलाया है ना। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंस है, थोड़ा बहुत कहीं भी पूछा जा सकता है कंपटीशन के लिए, ध्यान देना, जो पीबीआर 322 है ये कंपटीशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो है ही और कंपटीशन के लिए जान जहान है, सब कुछ है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन रहा हुआ करता है। आगे देखो एनसीईआरटी बुक्स में फिगर में लिखा क्या गया है, मेंशन क्या करा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। बतलाया है दैट इज द इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर, ध्यान देना, कहा रहा है कि ये इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर है, यानी जो पीबीआर 322 है ये इकोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये एक प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग वाहक होता है, जो कि सोविंग दिखाया गया है, सोविंग किया गया है, इसमें बहुत सारा रजिस्ट्रिक्शन साइट, यानी बहुत सारा क्या है, रजिस्ट्रिक्शन साइट दिखाया गया है, रजिस्ट्रेशन साइट समझ रहे हैं, जिसको क्लोनिंग साइट कह रहे हैं, जहाँ से हम उसको काट रहे होंगे। जैसे बताया हिंड थर्ड के बारे में, इक्वाराई फर्स्ट, बामेज फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीबीयू फर्स्ट, पास फर्स्ट, क्ला फर्स्ट, ओवराई रीजन पाया जाएगा, और इसमें क्या पाया जाएगा, एंटीबायोटिक रजिस्टेंट जीन पाई जाती है, ध्यान देना एंटीबायोटिक रजिस्टेंट जीन पाई जा रही हुआ करती है। देन उसके बाद इसमें क्या पाया जाएगा, और एम्पिसिलिन जो जीन पाई जाएगी उसका नाम क्या है, एम्पिसिलिन, दीज आर द टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन पाई जाती है। देन उसके बाद रोप रीजन पाया जाएगा, ध्यान देना रोप रीजन जो होता है, इसकी बुक्स में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी रहती है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे जान लेंगे, रोप रीजन बताया है एनसीईआरटी बुक्स में, उसके फिगर के नीचे बतलाया है, छुपा दिया है, ध्यान देना, रोप रीजन कोड्स फॉर दी प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ध्यान देना, कहने का मतलब ये प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी कितना प्रोटीन बनाना है उसको बैलेंस कौन करता है, रोप रीजन कर रहा होता है, समझ रहे हो, कितना प्रोटीन बनाना है, समझ रहे हो, कितना प्रोटीन बनाना है ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि आप पढ़ा होगा ना ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा प्रोटीन जो बनता है, कितना प्रोटीन बनना है ट्रांसलेशन के द्वारा, तो वहाँ पर जितना प्रोटीन बनाना होता है तो वहाँ पर जो कंट्रोल करता है रोप रीजन करता है, ध्यान देना, जिसको ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान हम पढ़ रहे होते हैं ना, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ा होगा ना, ट्रांसक्रिप्शन दे दो आपका आरएनए बन रहा होता है, रिप्लिकेशन से डीएनए बनता है, और जब बात करते हैं ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, वही चीज़ ध्यान देना। आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आया होंगी, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करेंगे और एक बार चीज़ें फिर से दोबारा देखें, आपको चीज़ें बहुत तरीके अच्छे से समझ में आएंगी, ध्यान देना। ये सब चीज़ों को याद करने के लिए थोड़ा सा निमोनिक्स बनाया गया है, इस निमोनिक्स
पे फोकस करेंगे जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। ध्यान देना, जो ये निमोनिक्स बनाया गया है स्टूडेंट, ये गाने के ऊपर बनाया गया है। सिंपल, उस गाने को आप दो चार बार गुनगुनाएंगे, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। दो चार बार गुनगुनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद आ जाएंगी। और जो गाना है, जैसे यहाँ पे जो गाना बनाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक गाना, पहली से प्लीज तक जो गाना है, पेपर भी उड़ा गई, यहाँ तक जो गाना बनाया गया है, ध्यान देना, ये गाना रिलेटेड है किसी ऐसे बॉयस के ऊपर, किसी ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर कुल मिला करके, जो पढ़ रहा था काफ़ी अच्छा खासा, उसके ज़िंदगी में एक ऐसी फीमेल आ गई जिसकी वजह से, समझ रहे हो, गर्ल्स आ गए जिसकी वजह से वो बच्चा ट्रैक से भटक गया, समझ रहे हो, ट्रैक से भटक गया, जिसकी वजह से उसका पेपर ऊपर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मतलब कि हमेशा उसके दिमाग में वही आ रही होती है, समझ रहे हो, तो उसी पे गाना बना है। गाना क्या है, ध्यान देना, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट ना, क्योंकि कहा जाता है परिंदों की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। देखो, पहली बारी MTRE बेमिसाल आए, प्लीज तुम पेपर भी उड़ा गई हो, समझ रहे हो, पहली बारी MTRE बेमिसाल आए, प्लीज तुम पेपर भी उड़ा गई हो। ये फर्स्ट गाना रहा। देन सेकंड गाना स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड के और आ गई, ये जो गाना बना है किस पे बना है एक बार देखेंगे, ध्यान देना। एक बच्चा है क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है, हिंदी का थर्ड पीरियड चल रहा था, एक टीचर और नई आ गई, वही चीज कह रहा है कि क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड के और आ गई। जो गाना है ये किस पे बना है, कदे इस बोल दे कदे उस बोलते यार मेरा तितलिया उड़गा, ऐसे करके कुछ गाना है उस पे बना है। आप लोग जानते होंगे, आई होप गाना में सुनते होंगे, आपको चीज़ें मालूम होंगी बहुत बढ़िया से। अब देखो, पहली से पी साइड, समझ रहे हो, पहली से यानी प्लाज्मिड, पी बताया, BR से PBR, सिंपल, यानी PBR, सिंपल। बारी एम्फ, एम्फेसिलिन, टेट फॉर टेट्रासाइक्लिन, आर फॉर आरिफार, यानी कि रजिस्ट्रेशन साइट, यहाँ पे आरिफार रजिस्ट्रेशन साइट, जो कि एम्फेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। अगला है बाम एच फर्स्ट ना, बेमिसाल, साल है साल फर्स्ट, उसके बाद प्लीज यानी कि फर्स्ट फर्स्ट करके, देन उसके बाद पेपर भी उड़ा गई, PVU फर्स्ट करके, देन उसके बाद अगला जो ट्रिक है क्लास फर्स्ट यानी क्ला फर्स्ट ना, क्ला फर्स्ट पे बना है, देन उसके बाद हिंदी का थर्ड पीरियड यानी कि हिंद थर्ड करके, देन लास्ट है एक और आ गई यानी कि इको आर आई। इस ट्रिक से आप चीज़ें को अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं, एक दो बार गुनगुनाएंगे आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान देना, ये ट्रिक्स हमारा बना बनाया नहीं, हम इसको ट्रिक्स को नहीं बनाया है, ध्यान देना, इसको हम ट्रिक्स नहीं बनाया है, और ख़ास करके ये ट्रिक्स यूट्यूब पे मिला है हमको, उस तो आपको बता दे रहे हैं हम, और बहुत अच्छा खासा ट्रिक है जो बनाए हैं। थैंक्स फॉर ट्रिक्स ना प्रोवाइड, एंड थैंक्स फॉर निमोनिक्स, बहुत अच्छा निमोनिक्स है, ध्यान देना, उनको धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके आप लोग भी इस ट्रिक्स की मदद से आप याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे ये ट्रिक्स हम बनाए हैं, इस पे हम नहीं बनाए भैया, ध्यान देना, सिंपल। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्टूडेंट सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट।